आदिवासी कौन है। जोहार दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार आदिवासी कौन लोग हैं। तो आज इस वीडियो में आदिवासी के ही बारे जानेंगे। आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृतियों को बचाए रखा, जो हमेशा से आत्मनिर्भर रहते आए हैं। दोस्तों, आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आदि, दूसरा वासी, यानी कि मूल निवासी। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या का 8.6% यानी कि 10 करोड़ लोग आदिवासी हैं। ये आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, जंगल, नहर और खेतों का पूजा करते हैं। प्रकृति को अपना माँ मानते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति से उतना ही चीज लेते हैं जितना आवश्यकता होती है। प्रमुख आदिवासी जनसमूह। भारत में करीब 461 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से गोंड, संथाल, भील प्रमुख है। गोंड जनजाति। गोंड भारत में एक बड़ी जनजाति है। ये जनजाति 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गोदावरी के तट से होकर मध्य क्षेत्र के पहाड़ों पर फैल गए। गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। गोंडों का अपना एक प्रदेश था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। गोंड आदिवासियों का संस्कृति बेहद ही निराली है। उन्हें अपने रीति रिवाजों पर गर्व है। गोंड जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों में दुर्गावती, जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया। संथाल जनजाति। संथाल अपने आप में एक स्वतंत्र जनजाति है। इस जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। बाकी धर्मों में जहां महिलाओं को विशेष सम्मान नहीं दिया जाता, वहीं संथाल एक ऐसा जनजाति है जिसमें चाहे एक लड़के का जन्म हो या एक लड़की का, दोनों को ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। सभी लोगों को स्वतंत्र प्राप्त होती है। सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं। महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। संथाल जनजाति में कभी भी सती प्रथा नहीं थी और ना ही दहेज प्रथा। सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वे इच्छित रूप से सजधज कर सवर सकते हैं। नौकरी, मेहनत, मजदूरी, इच्छित कार्य कर सकते हैं। वे संथाल ही लोग थे जिन्होंने आज़ादी का बीज बोया था। संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ा था। हालांकि इस बात को कम लोग ही जानते हैं। संथालों ने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। इस लड़ाई का नेतृत्व सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झरनो द्वारा किया गया। आदिवासियों का इतिहास। दोस्तों, आपको बता दें कि इतिहासकारों ने आदिवासियों के बारे में बहुत ही कम लिखा है या फिर उनके इतिहास को मिटाया गया है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि सच में आदिवासियों का जीवन गर्वशील रहा है। आदिवासी लोग ऐसे लोग होते हैं जो हंसते हंसते सर कटा सकते हैं परंतु सर झुकाते नहीं, ये इतिहास बताता है। प्रमुख आदिवासी व्यक्ति बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बहुत ही कम उम्र में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। उन्होंने उल गुलान, अबुआ दिशोम, अबुआ राज्य से नारा दिया। तटीय भील। तटीय भील मध्य प्रदेश के खंडवाना के रहने वाले थे, जिसे इंडियन रोबिन हुड कहा जाता था। इन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के भील और अन्य लोगों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। आदिवासियों का समस्या और निवारण।
दोस्तों, आदिवासियों ने हमेशा से ही प्रकृति को अपना भगवान मानता आया है। प्रकृति माँ है, साथ ही साथ आदिवासियों में महिलाओं एवं पुरुषों को एक समान अधिकार प्राप्त है। जैसे जैसे आदिवासी लोगों ने बाहरी लोगों के संपर्क में आए, तब उनसे जल जंगल जमीन के अधिकार छीन ली गई। और जब आदिवासियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे तो उन्हें नक्सलवादी कह दिया जाता है। दोस्तों, आदिवासी भारत का अभिन्न अंग है। आदिवासी समान के हकदार है। आदिवासियों के रक्षा में ही पूरे दुनिया का फायदा है, वरना आधुनिक मानव केवल अपने स्वार्थ और अपने लालच के कारण हमारे इस खूबसूरत पृथ्वी को उजाड़ कर रख दिया है। आदिवासियों का जीवन शैली बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है। पृथ्वी को प्रदूषणों से मुक्त करने के लिए आदिवासियों का जीवन शैली अपनाना चाहिए।